हाय गाइस, कैसे हो? ये एपिसोड काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के लीडर को। इसके बाद जियाओयान और 97 पाइथन ट्राइब मिलकर हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब की बैंड बजाने वाले हैं, जिसके दौरान में काफी अच्छी फाइट देखने को मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओयान अपनी जर्नी के बारे में ओल्ड मैन को बता रहा था, जो कोई और नहीं बल्कि डीमन सेंट वांग कुआंग का बचा हुआ एक छोटा सा पार्ट थे, जहां जियाओयान की बातें सुनकर ओल्ड मैन को सब कुछ याद आ गया था कि वो डीमन सेंट वांग कुआंग का एक छोटा सा हिस्सा है। और फिर वह वहां से गायब होते हुए जियाओयान को बताते हैं कि दाऊदी पर ब्रेक थ्रू करने के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होता है, वह अभी इस दुई कॉन्टिनेंट में मौजूद नहीं है। जिसके साथ ही ओल्ड मैन अपना इनहेरिटेंस भी जियाओयान को देकर जाते हैं, और फिर जियाओयान उस स्टोन टैबलेट से बाहर आ गया था, जहां तभी 97 स्प्रिंग से काफी पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगी थी, जिसको देख जियाओयान 97 स्प्रिंग के पास आ गया था, जहां वह देखता है क्वीन मेड्यूसा 7 कलर हेवन स्वालोइंग पाइथन की ब्लड लाइन की वजह से अपने कंट्रोल से बाहर हो गई है। तो फिर जियाओयान क्वीन मेड्यूसा को डीमन सेंट वांग कुआंग के ब्लड एसेंस को उनके फॉरहेड में ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से क्वीन मेड्यूसा अब शांत हो चुकी थी। तो फिर जियाओयान डीमन सेंट वांग कुआंग के ब्लड एसेंस को याओ मिंग, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंग लिन के साथ भी शेयर करता है। इसके बाद वह सभी लोग भी कल्टीवेशन करने लगते हैं, जहाँ कुछ दिनों बाद याओमिंग दाओशेंग के 2 स्टार के पीक लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेते हैं। तो जियाओयान ने भी दाओशेंग के 1 स्टार के पीक लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। इसके बाद याओमिंग 97 पाइथन ट्राइब के एल्डर्स के साथ किसी जगह के लिए निकल गए थे। अब आगे एपिसोड नंबर 188 की शुरुआत में हम वॉइड स्पेस का सीन देखते हैं, जहां एक फीनिक्स स्पेस बोट को लेकर आगे जा रहा था, जिसके ऊपर हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के लोग मौजूद थे, जिसमें हम हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के लीडर फेंग वांग को देखते हैं, जो दाओ शेंग पर होती हैं, जहां उसके हाथों में एक टोकन मौजूद था, जिससे वह किसी से पूछती हैं ड्रैगन आइलैंड पर सिचुएशन अभी कैसा है। तो उस टोकन के जरिए एक बंदा फेंग वांग को बताता है ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड लोगों को अपनी मदद के लिए बुला रहा है, पर अभी कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया है। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की हालत अभी काफी खराब है, अगर इसी तरह से चलता रहा तो वह ज्यादा समय के लिए तीनों आइलैंड को नहीं रोक पाएंगे। जिसको सुनकर फेंग हुआंग सभी लोगों को ऑर्डर देती हैं कि जल्दी से जल्दी सभी लोग ड्रैगन आइलैंड पर पहुंचे, जिस पर एक बंदा जिसका नाम कुन हुआंग होता है, जो दाओशेंग के 1 स्टार के पीक लेवल पर था, जिसके साथ ही वह फेंग हुआंग का ब्रदर भी होता है, वह बोलता है एल्डर सिस्टर आखिर हम थोड़ी देर के लिए और इंतजार क्यों ना कर ले, और जब वह चारों आइलैंड एक दूसरे को इंज्योर कर लेंगे और मार लेंगे तो हम उनके ऊपर अटैक करें, उनका एक ही बार में खेल खत्म कर देंगे। जिसको सुनकर फेंग वांग बोलती है अगर हम लेट करते हैं तो हम बहुत ही ज्यादा लेट हो जाएंगे, हमें किसी भी कीमत पर उस लड़की को जिसने ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फूड को एब्जॉर्ब किया है, हमको उसे किसी भी कीमत पर जिंदा पकड़ना है, चाहे जो हो जाए वह लड़की उन तीनों बेवकूफ किंग के हाथों में नहीं लगनी चाहिए। तो एक बंदा जिसका नाम यिंग हुआंग होता है, जो दाओशेंग के 2 स्टार के मिडिल लेवल पर होता है, वह बोलता है एक बार जब हम ड्रैगन आइलैंड पर पहुंचेंगे तो हम सभी ड्रैगन्स को मार देंगे, चाहे वह किसी के भी आइलैंड से क्यों ना हो। जिसको सुनकर सभी लोग बोलने लगते हैं 97 पाइथन ट्राइब ऑलरेडी काफी कमजोर हो चुका है, एक बार जब हम एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब का खेल खत्म कर देंगे तो उसके बाद हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिकल बीस्ट ट्राइब होगा, और फिर हम पूरे दोई की कॉन्टिनेंट के सभी मैजिकल बीस्ट पर राज करेंगे। तभी उनके बोट के सामने एक पोर्टल ओपन हो गया था, जहां से आवाज आता है तुम लोग सपने कुछ ज्यादा ही देख रहे हो, और इसी के साथ उनके ऊपर अटैक हो गया था, जिससे कि वह पूरा स्पेस बोट ही डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसकी वजह से हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के कुछ लोग भी मारे जाते हैं। पर फेंग हुआंग ने सभी के सामने शील्ड बनाकर उनको बचा लिया था, और फिर वह बोलती है कौन हो तुम कायर, जिसने मेरे हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब पर छुपकर अटैक किया, लगता है तुम अपनी मौत के तलाश में यहाँ पर आए हो। जिसके साथ ही फेंग हुआंग एक फीनिक्स से उस पोर्टल की तरफ अटैक कर देती है। तभी उस पोर्टल से याओमिंग, 97 पाइथन ट्राइब के सभी लोग, जियाओयान, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन आ गए थे, जहाँ याओमिंग उस फीनिक्स को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और बोलते हैं तुम लोग सभी मैजिकल बीस्ट पर राज करना चाहते हो, पर क्या तुमने इसके लिए 97 पाइथन ट्राइब से परमिशन लिया। जहाँ यिंग हुआंग याओमिंग को देखकर काफी हैरान हो गया था और बोलता है याओमिंग तुम तो 100 साल पहले ही मर चुके थे ना, फिर तुम जिंदा कैसे। जिस पर याओमिंग बोलते हैं शायद मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, हर बार कोई ना कोई मेरी मदद करने के लिए आ जाता है,
और तभी फेंग क्विंगर और उसके ब्रदर की नजर जियाओ यान पर पड़ गई थी, जिसको देखकर वो दोनों और भी ज्यादा शॉक हो गए थे और बोलते हैं, जियाओ यान तुम नाइनसर एंड पाइथन ट्राइब के साथ क्या कर रहे हो? तो जियाओ यान बोलता है, तुम जैसे विलन्स का सफाया करने के लिए एक हीरो तो हर जगह पर होना ही चाहिए और मैं वही हीरो हूँ। जिस पर फेंग हुआंग जियाओ यान के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है, तुम तो वही जियाओ यान हो ना जिसकी वजह से ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट मेरे हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब को नहीं मिला, तुम्हें आज इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर हम फेंग हुआंग के अटैक को देखते हैं, जो जियाओ यान की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा था। तभी उसके सामने एक अटैक आकर उससे टकरा जाता है, जिससे वह अटैक वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गया था जहां उस अटैक को याओ मिंग ने किया होता है। और फिर वह बोलते हैं, अगर तुम्हें कुछ बात करना है तो कर सकते हो, पर अभी अटैक करने की जरूरत नहीं। जिसको देख कुन हुआंग बोलता है, इसने एल्डर सिस्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो फिर यिंग हुआंग बोलता है, ट्राइब चीफ याओ मिंग, मुझे पूरा विश्वास है नॉर्थ ड्रैगन किंग ने नाइनसर एंड पाइथन ट्राइब को भी ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड से फाइट करने के लिए बुलाया होगा। इस वक्त एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब में बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट हो रही है और अब बस एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब का हमेशा के लिए खेल खत्म होने वाला है, तो क्यों ना नाइनसर एंड पाइथन ट्राइब मेरे हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के साथ मिलकर उनके ऊपर अटैक कर दे और फिर उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के बाद हम दोनों मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। जिसको सुनकर याओ मिंग बोलते हैं, सॉरी, लेकिन मेरा लिटिल ब्रदर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब को सपोर्ट करना चाहता है, तो कैसा होगा कि तुम हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब हमारे साथ मिलकर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की तरफ से फाइट करो। जिस पर फेंग वांग बोलती है, याओ मिंग, क्या तुम सच में इस लड़के की वजह से मेरे हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के साथ दुश्मनी लेना चाहते हो? तो याओ मिंग बोलते हैं, जियाओ यान मेरा लिटिल ब्रदर है, तो एक बड़ा भाई होने के नाते मुझे उसकी हर एक कीमत पर हेल्प करनी ही पड़ेगी। उसके अलावा बीस्ट वर्ल्ड में नाइनसर एंड पाइथन ट्राइब थर्ड नंबर पर सबसे ज्यादा पावरफुल बीस्ट ट्राइब है, लेकिन अब मैं नाइनसर एंड पाइथन ट्राइब को सेकंड सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिकल बीस्ट ट्राइब बनाना चाहता हूँ, जिस वजह से अब हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के पास कोई रास्ता नहीं है कि वह मेरा साथ दे, लेकिन फिर भी तुम आगे जाना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए मरना पड़ेगा। जिसको सुनकर फेंग हुआंग याओ मिंग पर अटैक कर देती है, तो याओ मिंग बोलते हैं, बहुत बढ़िया, चलो आज मैं भी देखना चाहता हूँ कि पिछले 100 सालों में हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब अभी कितना पावरफुल हो चुका है। जिसके साथ ही यहाँ पर हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब और नाइनसर एंड पाइथन ट्राइब के बीच फाइट की शुरुआत हो गई थी, जहाँ फेंग किंगर जियाओ यान पर अटैक करते हुए बोलती है, जियाओ यान, आज मैं अपने हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के लोगों का बदला लेने के लिए तुमको जान से मार डालूंगी। जिसे सुनकर जियाओ यान अजीब सी शक्ल बनाते हुए बोलता है, तुम हर एक बार ऐसा ही बोलती हो, अब मैं इस सब चीज से बोर हो चुका हूँ, मुझे नहीं करना तुमसे फाइट। तभी फेंग किंग पर एक अटैक हो गया था जिसको वह कैसे न करके रोक लेती है, तो फिर किंगलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलती है, तुम इस काबिल नहीं कि जियाओ यान से फाइट कर सको। जिसे देख फेंग किंगर की भी हालत खराब हो गई थी क्योंकि वह दोनों बांध शेंग पर होते हैं। जिसको देखकर कुन हुआंग और यिंग हुआंग फाइट करने के लिए तैयार होते हुए बोलते हैं, चलो पहले इन सभी लोगों का सफाया करते हैं और फिर हम एल्डर सिस्टर की हेल्प करेंगे। तो जियाओ यान उनके सामने आ जाता है और उनसे बोलता है, जरा रुको, मैं हूँ तुम्हारा ओपोनेंट, पहले मुझसे तो फाइट कर लो। जिसे देख कुन हुआंग बोलता है, क्या मजाक है, अब एक बच्चा हमसे फाइट करने के लिए आया है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो आज हम तुम्हारे इस इच्छा को भी पूरा कर देंगे। जिसके साथ वो दोनों कुन हुआंग और यिंग हुआंग जियाओ यान पर अटैक कर देते हैं। तो जियाओ यान बोलता है, आखिर तुम हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के लोगों का प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग दूसरों को हमेशा खुद से कम क्यों समझती हो, आज तुम लोग इसकी कीमत चुकाने वाले हो। और फिर हम उन अटैक्स को देखते हैं जो जियाओ यान को लगाते जा रहे थे। तभी जियाओ यान 3000 लाइटनिंग मूवमेंट से दोनों के पीछे आ गया था और हमें पता चलता है वह बस एक क्लोन बॉडी थी और येलो स्प्रिंग फिंगर से उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसको कुन हुआंग ने एक पावरफुल अटैक करके डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद हुन कुआंग बिल्कुल हॉल ऑफ सोल की तरह काफी सारे फेदर्स यानी कि पंख का यूज करके जियाओ यान को एक ही जगह पर कैद कर देता है और फिर एक टियान क्लास की टेक्निक कुन हुआंग ब्लड स्टमक का यूज करता है, जिसकी वजह से जियाओ यान के पास एक काफी बड़ा फिश जैसा कोई चीज आ गया था जो जियाओ यान को निगल जाता है। तो कुन हुआंग खुश होते हुए बोलता है, मेरी यह टेक्निक एक डिवोरिंग स्पेस को क्रिएट करता है जिसके अंदर एक बार जाने के बाद कोई भी चाहे वह दाओ शेंग पर ही क्यों ना हो उसकी बॉडी तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यिंग हुआंग बोलता है, देखा तुमने, यह होता है डिफरेंस एक नए दाओ शेंग पर पहुंचे हुए बंदे का जब वह एक एक्सपर्ट को चैलेंज करता है। तो तभी हम देखते हैं जियाओ यान किंग कॉन्ग बॉडी टेक्निक को यूज करके उस डिवोरिंग स्पेस को डिस्ट्रॉय करते हुए बाहर आ जाता है, जिसे देख कुन हुआंग और यिंग हुआंग दोनों की हालत खराब हो गई थी
और वह बोलते हैं आखिर यह क्या चीज है। तो जियायान बोलता है चलो अब मुझे दिखाओ पावर का डिफरेंस। ऐसा बोलने के साथ ही जियायान उनके ऊपर किंग कॉन्ग बॉडी टेक्निक के साथ येलो स्प्रिंग पाम से अटैक कर देता है, जहां जियायान को येलो स्प्रिंग पाम को किंग कॉन्ग बॉडी टेक्निक के साथ यूज करते देख याओ मिंग काफी सरप्राइज हो गए थे और बोलते हैं मैंने तो सोचा ही नहीं था कि येलो स्प्रिंग पाम को इस तरह से भी यूज किया जा सकता है। जहां जियायान के उस अटैक को देखकर कुन हुआंग और यिंग हुआंग बोलते हैं लगता है अब हमें अपने सभी पावर्स को यूज करने का टाइम आ गया, और फिर वह दोनों एक साथ अटैक करके जियायान के येलो स्प्रिंग पाम को रोकने लगते हैं। तो फेंग किंगर खुश होते हुए बोलती है एल्डर्स आज आप इसका हमेशा के लिए खेल खत्म कर दो। तो जियायान बोलता है इतनी जल्दी खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, जिसके बाद वह अपने क्लैन टैटी को यूज करता है, जिसे देख यिंग हुआंग बोलता है यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, उसकी पावर अचानक से काफी बढ़ गई है। और तभी वहां पर एक एनर्जी बॉल क्रिएट हो गया था, जिसको देखकर फेंग हुआंग उन दोनों की हेल्प करने के लिए आगे जाने लगती है। तो याओ मिंग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और बोलते हैं भूलो मत मैं हूँ तुम्हारा ओपोनेंट। इधर हम जियायान को देखते हैं जहां उसने उन दोनों को मारने की बजाय एक सीलिंग टेक्निक का यूज करके कैद कर लिया था, जिसे देख फेंग किंगर और सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है और वह लोग बोलते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। तो जियायान बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे रहते हुए मेरे फ्रेंड्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो। जिसके साथ ही जियायान पिंक विंगर और सभी लोगों को भी सीलिंग टेक्निक से कैद कर लेता है और बोलता है एल्डर अगर तुम्हें इन सभी की जान प्यारी है तो अभी के अभी वहीं रुक जाओ। तो फिर याओ मिंग जियायान के पास आ जाते हैं और बोलते हैं लिटिल ब्रदर तुमने तो एक साथ ही इन दोनों का खेल खत्म कर दिया, तुम सच में एक जीनियस हो। तभी फेंग हुआंग बोलने लगती है आखिर तुम इनको इस तरह से कैद करके क्या करना चाहते हो। तो जियायान बोलता है अभी के लिए तुम्हारे पास केवल दो ऑप्शन है, इसमें से सबसे पहला ऑप्शन यह है कि हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब तुरंत यहां से पीछे हट जाए और फिर वह फ्यूचर में कभी भी एंशिएंट वॉय ड्रैगन ट्राइब के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, और अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं तो मेरे पास तुम्हारे लिए दूसरा ऑप्शन यह है कि मैं तुम्हारे ब्रदर और हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के फ्यूचर फेंग किंगर और सभी लोगों को एक साथ दुनिया से बाय बाय बोलने के लिए तैयार हो जाओ। जिसको सुनकर हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के एल्डर्स बोल रहे थे लीडर आपको हमारे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, आप जो करना चाहती हैं आप वही करो। तो जियायान बोलता है जल्दी चूज करो ज्यादा टाइम नहीं है, तुम्हें उनकी जान बचाने हैं या वह करना है जो तुम चाहती हो। जिस पर फेंग हुआंग बोलती है जब तक मेरा हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब तुमको जान से नहीं मार देता तब तक वह शांति से नहीं रहेगा। तो जियायान बोलता है मेरे और तुम्हारे हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के बीच ऑलरेडी रिलेशनशिप काफी खराब है, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के लिए मुझे हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब से दुश्मनी लेनी पड़े। जिसके साथ ही जियायान हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के लोगों को टॉर्चर करने लगता है, जिसे देख फेंग हुआंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती है रुको ठीक है मैं तैयार हूँ, अब से हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब एंशिएंट वॉय ड्रैगन ट्राइब के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, जल्दी से अब तुम उन सभी लोगों को छोड़ दो मैं उनको लेकर वापस जाना चाहती हूँ। तो जियायान उन सभी लोगों को छोड़ देता है पर फिर बस जियू फेंग कुन हुआंग और यिंग हुआंग को कैद कर लेता है, जिसे देख फेंग हुआंग बोलती है जियायान अब तुम यह क्या कर रहे हो। तो जियायान बोलता है सॉरी लेकिन मुझे हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, सेफ्टी के लिए मैं इन तीनों को अपने साथ रखूंगा ताकि तुम अपने शब्दों से पीछे ना हटो, एक बार जब एंशिएंट वॉय ड्रैगन ट्राइब का फाइट खत्म हो जाएगा तो मैं इनको छोड़ दूंगा। तो फेंग हुआंग बोलती है लेकिन मुझे तुम पर विश्वास क्यों करना चाहिए। जिस पर जियायान बोलता है एल्डर फेंग हुआंग तुम रिलैक्स हो सकती हो, जब तक हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब एंशिएंट वॉय ड्रैगन ट्राइब के फाइट में इंटरफेयर नहीं करेगा मैं इनको जिंदा वापस करने की तुम्हें गारंटी देता, लेकिन अगर हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब ने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो फिर मैं इनके जिंदा ना होने की भी पूरी गारंटी देता हूँ। जिसके साथ ही जियायान उन तीनों को टॉर्चर करने लगा था। तो फेंग हुआंग बोलती है ठीक है, तभी फेंग किंगर कुछ बोलने की कोशिश करता है तो फेंग हुआंग उसको बेवकूफ बोलते हुए चुप कर देती है, उसके बाद वह जियायान से बोलती है याद रखना तुमने क्या कहा है, और फिर वह वहाँ एक पोर्टल क्रिएट करके हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के लोगों के साथ चली जाती है। तो फिर याओ मिंग बोलते हैं हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब का इतना ज्यादा खराब हालत, ब्रदर जियायान मुझे तुम्हारी तारीफ ना चाहते हुए भी करनी पड़ेगी, तुम सच में एक जीनियस हो। तो किंग लिन पूछती है यंग मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए, जिसको सुनकर जियायान उन तीनों लोगों को संभालने के लिए याओ मिंग को दे देता है और बोलता है ऑफ कोर्स अब हम लोग एंशिएंट वॉय ड्रैगन ट्राइब जाने वाले हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड कितना ज्यादा अमेजिंग होने वाला है इसका अंदाजा तो आप लोग बस इसी बात से लगा सकते हो कि तीन तीन ड्रैगन किंग एक साथ मिलकर फाइट कर रहे होंगे जियान से, जहां
जहाँ पर एंट्री होगी जियाओ यान की, जिसके बाद सिचुएशन धीरे धीरे बदलने वाला है और हमें देखने को मिलेगा जी यान की काफी खतरनाक लेवल की पावर्स। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, जिन भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो बिना सब्सक्राइब बटन दबाए बिल्कुल मत जाना। टेक केयर।